भूतमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः त्रिभुवन गुरुवेद बखाना मान जीव पावर खा जाना विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी विदित तुम्हारी विदित तुम्हारी संरचना में से किसी का कोई भी किया हुआ कर्म मिटाया नहीं जा सकता। जन्म हेतु सब कह पित माता कर्म सुभा सुखदेह विधाता। जन्म का कारण तो माता पिता ही होते हैं, लेकिन शुभ और अशुभ कर्मों का फल तो विधाता रूपी विज्ञान ही देता है। यही है उद्भव पालन एवं विलय की प्रक्रिया। इस ब्रह्मांड का संचालन मेरा ज्योति स्वरूप लिंग स्वतः ही संचालित करता रहता है। यहाँ एक स्पष्टता आवश्यक है कि पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई सर्वभाव भज कपट तजी मोही परम प्रिय सोई। इस चराचर जगत में व्याप्त जीव मात्र चाहे वो पुरलिंग हो स्त्रीलिंग हो नपुंसकलिंग हो या चराचर जगत में किसी का भी प्रतीक हो अर्थात किसी भी लिंग का कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे बनता है वही मुझे परम प्रिय है। यहाँ लिंग का अभिप्राय श्रेणी वर्ग वर्ण विभाग से है, किसी के प्रतीक से है, न कि कोई अंग विशेष। जग जो निपुणी धरी शरीरा
त्रियर के योनियां जलचर थलचर नवचर जैसे पशु पक्षी कीट ब्रह्म मीन आदि आदि योनियों में प्राणी देह धारण करता है। जैसा कि हमारे यहाँ 84 लाख योनियों का वर्णन मिलता है, स्पष्ट है कि योनि अर्थात जीव का एक प्रकार। जगत में शिवलिंग एवं योनि को अंग विशेष के रूप में प्रचारित करना सनातन धर्म को प्रदूषित करने की कुचेष्टा है। शिवलिंग एक ज्योति का स्वरूप है। आज भी शिव के 12 स्थान ऐसे ही जिन्हें ज्योतिर्लिंग ही कहा जाता है। जो प्रतीक यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है यह है शिवलिंग। और अंतरिक्ष में चारों तरफ घूमती हुई वो सारी योनियां हैं, यह है मूल स्वरूप जो यहाँ उद्घाटित किया गया ताकि जगत में व्याप्त भ्रांतियां दूर हों। शिव में विश्वास, उनकी व्यापकता एवं विराटता ही शिव के प्रकाश पुंज की संज्ञा है। अर्थात शिवलिंग शिव की पहचान का द्योतक है, एक चिन्ह है, एक प्रतीक है। ये है शिव द्वार में प्रवेश करने का प्रथम अक्षर। शिव है द्वार, एक भीतरी प्रवेश के लिए, यह है प्रतीक। इस स्पष्टता के उपरांत भी भ्रामक अर्थ प्रचारित करना उचित नहीं है। विकसित हो रही थी तो कोई नष्ट हो रही थी, और वर्तमान में भी यही क्रम अनंत कालों से चल रहा है और अनंत कल्प कल्पांतरों तक चलता ही रहेगा। यह अंतहीन क्रम है, परंतु यह घटना इस पृथ्वी नामक ग्रह की है कि जब यहाँ सब कुछ निशब्द था, समस्त पृथ्वी जल आप्लावित थी, तभी भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी के कुछ भाग को जल से बाहर निकाला, जिससे कालांतर में इस पृथ्वी पर जीव पनपने लगा और एक बड़ी काल गणना के बाद यहाँ मानव पैदा हुआ, किंतु उसे किसी प्रकार का बोध नहीं था, किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति की समझ नहीं थी। ना तो उस समय शब्द था, ना कोई वर्णाक्षर। चराचर जीव जगत अपने अपने समूह में एक मूक दृष्टि से एक दूसरे को निहारते थे, लेकिन कुछ भी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते थे। चारों तरफ इस पृथ्वी पर सन्नाटा ही सन्नाटा था। प्राकृतिक स्वरों ध्वनियों के अतिरिक्त यह पृथ्वी
निशब्द थी। ऐसे कई युग बीत गए कि अचानक ब्रह्मा को विचार आया कि पृथ्वी का निर्माण हो चुका है, विष्णु ने अपनी व्यवस्था भी व्यापित कर दी है, लेकिन शब्द की उत्पत्ति कौन करेगा? बिना वाणी अभिव्यक्ति कैसे हो पाएगी? जब ब्रह्मा और विष्णु को प्रेरणा हुई कि देवों के देव महादेव ही इस सृष्टि में शब्द की स्थापना कर सकते हैं, शब्द ब्रह्म का दान दे सकते हैं, परंतु शिव का समय अधिकतर समाधि में ही व्यतीत होता था। जगत में वेद की स्थापना के लिए मनुष्यों में, प्राणियों में सत्य प्रेम और करुणा की भावना प्रकट करने के लिए, शब्द को देह देने के लिए महादेव को समाधि से जगाना अति आवश्यक है। जब ब्रह्मा विष्णु और सारे देवताओं ने महर्षि पाणिनि को प्रेरणा की कि वो महादेव को प्रसन्न कर जगत में शब्द प्रकट करने की प्रार्थना करें, महर्षि पाणिनि की निष्प्रिय एवं जगत कल्याण की भावना से की गई तपस्या ने भगवान शिव की समाधि में विघ्न डाला। महादेव की समाधि असमय भंग हो गई। महादेव के जागते ही उनका रौद्र रूप प्रकट हुआ और उन्होंने अपना नाद शस्त्र डमरू उठाया और भयंकर तांडव करने लगे। इतना भयंकर तांडव किया कि पृथ्वी हिलने लगी, आकाश में बिजलियां कौंधने लगी। पृथ्वी को हिलते देख ब्रह्मा ने सोचा कहीं प्रलय की वेला तो नहीं आ गई। चारों तरफ समुद्र में उफान आ रहा था, हवाएं चक्रवात का रूप लेकर आकाश की ओर बढ़ रही थी। पूरी पृथ्वी अपनी दूरी पर ऐसे डोलने लगी मानो पृथ्वी समुद्र पर तैर रही हो। तब महादेव ने अपना डमरू बजाया और असमय समाधि में हुए विघ्न के कारण तांडव करते हुए मानो अपने इस नाद से संसार को बधिर कर देंगे, इस सृष्टि को समाप्त कर देंगे और उसकी तीव्रता को प्रकट करते हुए प्रचंड एवं भीषण गणगौर ध्वनियां पैदा करते हुए एवं महिमामय भयंकर डमरूनाद किया, जिससे प्राणी मात्र की श्रवण इंद्रियां लुप्त हो गई। नाद इतना भयावह था कि प्राणी मात्र के कर्ण भेद हो गए। कुछ काल के लिए यह स्थिति बन गई। महादेव तांडव करते हुए अपनी उग्र नाद वाद्य से कुछ ऐसी शाब्दिक रचना की जो आज इस भूमंडल पर शब्द और श्रवण का कारण है, जिसे महर्षि पाणिनि ने
अवरुद्ध हुई अपनी श्रवण इंद्रियां पुनः जागृत होने पर शब्दों में पिरोया। जगत कल्याण के लिए महादेव की प्रेरणा से नाद वाद्य से निकली हुई ध्वनियां जो आज इस संसार में व्याप्त है, इस भूमंडल पर कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति करता हो उसका उद्गम स्रोत महादेव का डमरू ही है। और वो डमरू इस प्रकार बोला, ऐं रिल रिक एं ऐच हयावरट लमगणनम जब है गड़दश जब गड़दश खप चटत चटत कपय शशर हल। ऐं रिक ऐं ऐय वरट लण यम गण नम जवय गड़दस जब गड़दस खप चटत चटत कपय शशर हल। यह था शिव का नाद शस्त्र से उत्पन्न हुआ शब्द व्याकरण। इससे शब्द की संरचना हुई और डमरू ने जिस प्रकार ये 14 शिव सूत्र परमात्मा शिव ने जगत को दिए वो आज सभी की अभिव्यक्ति का कारण है। इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि एषा मन्त्या इतः हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ लण मध्ये तत्संज्ञक। शिव के नाद तांडव के बाद संज्ञा संधि ओष्ठ जिह्वा कंठ नासिका पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग आदि आदि वर्णों की उत्पत्ति के स्थान तय हुए। वाणी में व्यापकता आई, वाणी की श्रेणियां निर्धारित हुई, वर्ण का लिंग तय हुआ। मुख और नासिका से एक साथ उच्चारित होने वाले वर्णों की उत्पत्ति हुई जो लघु सिद्धांत ओमनी में संक्षिप्त रूप से वर्णित है, जिसका विस्तार सिद्धांत ओमनी में प्रतिपादित हुआ है। इसे हम अल्प समय में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। शिव के निनाद तांडव के उपरांत महर्षि पाणिनि ने शब्द की रचना की और अक्षर को रूप देने के लिए प्रथम प्रार्थना की। नत्वां सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। महर्षि पाणिनि ने विनय कर लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की जो आज इस जगत में सर्व भाषाओं का मूल है, जो कि सनातन है, शाश्वत है। नृत्यावसाने नटराजराज ननाद डक्वाम नव पंचवारम उद्वर्तु कामाद सनकादि सिद्धे एतत् विमर्शे शिव शुक्रदान। तुम त्रिभुवन गुरु भेद बखाना आन जीव पावर का जाना विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी।